चैनल आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सब अच्छे होंगे, घर पे होंगे। आपको यहाँ पे लग रहा है कि मैं खुद आपको बोल के घर पे रहिए, अच्छे से रहिए, मैं खुद कहाँ जा रही हूँ। मैंने उस टाइम जब मैंने आपको गुड मॉर्निंग वगैरह बोला था ना, उस टाइम भी मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी, मैंने आपको कुछ बोला था, लेकिन नर्वसनेस मेरे फेस पे एकदम झलक रहा था, तो इस वजह से मैंने उसको कट कर दिया। नर्वस इसलिए क्योंकि मैं जा रही हूँ अभी COVID-19 की वैक्सीन लेने। वैक्सीन से जितना ज़्यादा डर नहीं लगता है, मुझे डर लगता है इंजेक्शन से। कोई सा भी इंजेक्शन हो, मुझे बड़ा सा ही डर लगता है। इस वजह से मैं बहुत ही नर्वस फील कर रही थी, लेकिन फाइनली मैंने थोड़ा सा तैयार वैयार होकर निकल गई थी। एंड मौसम इतना अच्छा था, बहुत ही मतलब बारिश बारिश वाला मौसम हो रहा था। सुबह का टाइम था, 8 या फिर 7:30 हो रहा होगा ऐसा कुछ। बहुत ही ज़्यादा सुंदर मौसम था, बहुत ही ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, और इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि मुझे लग रहा था मैं पिकनिक या फिर कहीं पर घूमने जा रही हूँ। वैक्सीन मैं भूल ही गई थी, तो मतलब डर निकल गया था दिमाग से, एकदम बाहर निकल के। बहुत टाइम के बाद अगर आप बाहर निकलते हो तो आपको बड़ा सा ही अच्छा लगता है, और सेम मुझे भी अच्छा लग रहा था, तो मैं इंजॉय कर रही थी। फाइनली मैं यहाँ पे आके पहुँच चुकी थी। मेरी जो रजिस्ट्रेशन वगैरह है वो हो गया था, तो मैं यहाँ पे वेट कर रही थी जब मेरा नंबर आएगा मैं जाऊँगी। और यहाँ पे मैं कैमरा इतना ज़्यादा नहीं लिया क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। फाइनली मेरा जो फर्स्ट डोज है वो डन हो गया। गाइज़ मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ, मेरी जो वैक्सीन है वो मैं ले चुकी हूँ, एक्चुअली कम्प्लीट हो चुकी है। मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन अभी कुछ नहीं लग रहा है। मैं वेट कर रही हूँ यहाँ पे, मेरे हस्बैंड आएंगे तो मैं यहाँ जाऊँगी। और थोड़ा सा हाथ में पेन हो रही है, बट ठीक है। और यहाँ पे सारे लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं घुर घुर के। बड़ा सा ही डर लगता है क्योंकि कोई कुछ ना बोल दे कि आप यहाँ पे कैमरा ऑन कर रहे हो, ये हो, तो आपको मेरी बात जो है सुनाई नहीं दे रही होगी, तो मैं घर जाके आपको मिलती हूँ, ठीक है। वेलकम बैक अगेन। एक्चुअली मैंने 3 दिन के बाद में ये ब्लॉग शूट कर रही हूँ। एक्चुअली मैंने जब वैक्सीन लेने के लिए गई थी, तो उस टाइम मेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा वाला जोश था कि हाँ मैं वैक्सीन ले लूँगी, ये कर लूँगी, वो कर लूँगी। उसके बाद मुझे थोड़ा थोड़ा सा हेडेक हो रहा था, उसके बाद मुझे थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा फीवर हुआ था, और ये वाली हैंड जो है मतलब इतना भी उठा नहीं जा रहा था, बहुत ही तेज़ पेन था, बहुत ही ज़्यादा वाला दर्द हो रहा था हाथ में। 3 दिन तक मैंने थोड़ा सा रेस्ट लिया, और मैं ब्लॉगिंग करने के लिए भूल ही गई थी। इसका अंदर मैंने वीडियो बनाया था, लेकिन ब्लॉग के लिए मैं भूल गई थी। तो फाइनली आज हम ब्लॉग को एंड करेंगे। घर से मैंने एक पार्सल मंगाया था जो कि था ये वाला, मुझे आपको ये दिखाना था। एक्चुअली ये जो है एक ईयरिंग रखने के लिए बॉक्स है, ज्वेलरी रखने के लिए। आप कुछ भी रख सकते हो, ऐसा नहीं है कि ईयरिंग रख सकते हो, आप इसके अंदर आपकी कोई से भी ज्वेलरी, जैसे कि नेक पीस हो गया, फिंगर रिंग हो गया, ईयरिंग हो गया, आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हो। इसको मैंने 250 रुपीज़ में परचेस किया था। जब मैंने उसको परचेस किया, मुझे लगा कि एक प्लास्टिक का डब्बा के लिए 250 रुपीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा लग रहा था, लेकिन मुझे लगा कि ठीक है, रिटर्न पॉलिसी वगैरह है, आ जाए प्रोडक्ट उसके बाद देखते हैं। तो जब मैंने उसको लिया और ये मुझे रिसीव हुई, इतना ज़्यादा खुशी हुई मुझे। और ये सारे ही ईयरिंग आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने इसमें जो है एकदम सरक दिया है। बहुत ही जल्द मेरी ईयरिंग कलेक्शन आपको देखने को मिलेगा। यस, इसके अंदर जो है यहाँ पे एक शॉर्ट लगा दूंगी, आप देख सकते हो। इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया, यूट्यूब देती हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये जो डब्बा है इसके अंदर 36 ईयरिंग रह सकती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि एक जो कंपार्टमेंट है छोटा सा, अब इसके अंदर 2-3-4-5 ईयरिंग भी डाल सकते हो। अगर छोटी छोटी ईयरिंग है तो इसके ऊपर भी मैंने कुछ ईयरिंग इस टाइप के हुक्स रखे हुए हैं जो कि अंदर नहीं जा रहा है। एक ही कंपार्टमेंट में बहुत ही सारे छोटे छोटे मैंने ईयरिंग रखा हुआ है, और ये जो सारे ही ईयरिंग है सिर्फ और सिर्फ 30 रुपीज़ के है। कैन यू बिलीव गाइस, यस, ये 30 रुपीज़ के ही है। और इसका मैं बहुत ही जल्द एक हॉल वीडियो शेयर करने वाली, हॉल नहीं मतलब मेरी कलेक्शन दिखाने वाली हूँ आपको। और इसको आप चाहो तो ये एडजस्टेबल है, आप उसको उठा के थोड़ा सा बड़ा भी बना सकते हो, आप उसको छोटा भी कर सकते हो। जैसे कि मैंने जो बड़े वाली ईयरिंग है उसको थोड़ा सा बड़ा करके रखा है, इसको छोटे से रखा हुआ है, तो इस तरीके से आप रख सकते हो। बहुत ही मतलब आपकी जो 250 रुपीज़ एकदम वर्थ बाइंग है, आप डेफिनेटली इसके साथ जा सकते हो। अगर आप ईयरिंग लवर हो, 50 रुपीज़ अगर आप पे करते हो, आपकी काफ़ी काफ़ी सारी ईयरिंग जो है स्टोर हो जाती है। क्योंकि लंच की टाइम हो चुकी है, और मैं लंच में आज बनाने वाली हूँ मटन। जी हाँ, मैं थोड़ा सा आपको रेसिपी दिखा देती हूँ, नॉर्मल मटन करी बनाने वाली हूँ। और तो चलिए मिलती हूँ आपको लंच में।
ओके तो रेसिपी मैंने स्टार्ट कर दिया था क्योंकि सब कुछ दिखाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था और बहुत ही लॉन्ग वीडियो नहीं चाहती थी मैं इस वजह से। मटन जो है मैं प्रेशर कुकर में बनाती हूँ, आप अगर कढ़ाई वगैरह जिस पे कंफर्टेबल हो वहाँ पे बना सकते हो, उसी से बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पे जो है अदरक लहसुन प्याज को थोड़ा सा पेस्ट किया था, उसके अंदर मैंने ऑयल डाला, थोड़ा सा गर्म मसाला, थोड़ा सा जो प्याज है मैंने उसको फ्राई किया था, उसके बाद मैंने सेम जो मसाला है उसको डाल दिया, उसको मैंने थोड़ा सा फ्राई किया और उसके अंदर मैंने डाला मटन। मटन को थोड़ा सा फ्राई करूँगी जब तक उसकी जो वो है थोड़ा सा सॉफ्ट नहीं हो जाता है, उस टाइम तक मैं ढक ढक के अच्छे से उसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे 4 सिटी दे रही हूँ, आप चाहो तो ज़्यादा भी दे सकते हो। एंड ये मेरी फाइनल लुक है। एक्चुअली सब कुछ दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत ही लॉन्ग होने वाला था इस वजह से, लेकिन बहुत ही यम्मी बना था, टेस्टी बना था, क्योंकि खुद की तारीफ क्या करूँ। जी हाँ, सो लंच के बाद यहाँ पे आप मौसम देख सकते, इतना अच्छा था, सुंदर वाला हो रहा था, मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत ही बारिश वाला मौसम था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। एंड यहाँ पे जो है मैं थोड़ा सा बालकनी में एंजॉय कर रही थी। सो या सो गाइज, मेरा जो लंच है वो कंप्लीट हो चुकी है। मैंने लंच आपको दिखाया नहीं क्योंकि मैं फैमिली के साथ लंच करती हूँ, तो दिखाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। और फर्स्ट मैं आपको थोड़ा सा मेरी जो वैक्सीन की एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहूँगी। जब मैंने वैक्सीन लेने के लिए गई थी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा डर लग रहा था, बट कोई नहीं, डर लगता है थोड़ा सा। मुझे डर लग रहा था इंजेक्शन कितना बड़ा होगा, कितना पेन होगा, ये सोच के। ऐसा नहीं है कि मुझे डर लग रहा था कि COVID-19 की वैक्सीन है, नहीं, मुझे इंजेक्शन से ही डर लगता है, कोई भी इंजेक्शन हो। जैसे कि अगर मुझे थोड़ा सा कुछ भी पेन होता था प्रेगनेंसी के टाइम में, तो इंजेक्शन से मुझे बड़ा डर लगता था। तो इस वजह से मुझे डर लग रहा था थोड़ा थोड़ा सा। लेकिन उसके बाद कुछ नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा पेन होता है 2-3 दिन के लिए, उसके बाद थोड़ा बहुत बुखार होती है, किसी किसी को होती है, किसी किसी को नहीं, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने भी लिया था, उनको कुछ भी नहीं हुआ था, बट मुझे थोड़ा सा बुखार हो गया था। और ये जो हैंड है, मतलब ये वाली जो बाएं हाथ में देते हैं, तो ये जो बाएं हाथ है बहुत ही ज़्यादा दर्द करता है 3 दिन तक, मतलब ऐसे उठाई नहीं जाती है। बट और कुछ नहीं, बस आप लोग भी ऐसा डरिए मत, आप अच्छे से वैक्सीन लीजिए। वैक्सीन अभी मिल रहा है तो ले ही लीजिए, आगे जाके नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे। अगर आपको मिल रहा है तो डेफिनेटली आप वैक्सीन ले लीजिए। ओके गाइस, तो ये था इसका छोटा सा ब्लॉग। आई होप आज की ब्लॉग आपको पसंद आई होगी। मेरी इस तरीके से छोटे छोटे ब्लॉग में ट्राई करूंगी, आप लोग रिक्वेस्ट करते हो। एक्चुअली मैं ब्लॉगिंग में इतना ज़्यादा माहिर नहीं हूँ, इतना ज़्यादा मुझे अच्छे से नहीं आता है, फिर भी मैं ट्राई करती हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि आपकी बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है, आप ब्लॉगिंग करो ब्लॉगिंग करो। इस वजह से ये जो ब्लॉग है आई थिंक 1 वीक का है, तो उसको मिक्स एंड मैच करके मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आज की जो वीडियो है, ब्लॉग है, आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कोई भी वीडियो के रिक्वेस्ट या सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगी। तो मिलती हूँ मेरे न्यू वीडियो न्यू कंटेंट के साथ।